So, alaikum, welcome to another episode of the Pakistan Experience. It is an absolute privilege and an honor. All of you have been asking to for him to come on the podcast, so it's very kind of him to agree today. Mr. Parvez, how are you doing, sir? Thank you very much. Bilkul TikTok, you are Bilkul TikTok, sir. Uh, let's just jump straight into it. I don't want to waste any time. You uh, video in hai. and it's just these.

इसमें कोई शक नहीं है कि एफ़सी कॉलेज के ऊपर दबाव पड़ा था और वो पड़ा था खलाई मखलूक की तरफ से उन्होंने कहा कि अमार एक स्टूडेंट्स मार्च में शरीक था और हम ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो रियासत की मुखालफत करते हैं तो अमार की बात मेरी बात से बिल्कुल अलग थी लेकिन जितनी ख़तरनाक खलाई मखलूक है ना उतनी ही ख़तरनाक बल्कि उससे ज़्यादा ख़तरनाक हमारे छोटे लोग हैं वो छोटे लोग जो बहुत बड़े बड़े उहदों पर फायज़ हैं और जिन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान में तालीम का बेड़ा गर्क किया हुआ अब मसला ये बनाना एफ सी कॉलेज में कि जब से ऑनलाइन टीचिंग शुरू हुई तो फिर अब मैंने ये तकाजा करना शुरू किया इंतज़ामिया से कि जो कुछ पढ़ाया जा रहा है क्लासरूम के अंदर उसे एक जखीरे के अंदर रख दिया जाए ताकि हम देख सकें कि क्लास में किस किस्म की पढ़ाई होती है क्योंकि पहले तो ऐसे था ना आपको पता ही नहीं था कि टीचर वहाँ क्या पढ़ाता अब जबकि सामने आ सकता है आ सकता है तो फिर तो पोल खुल जाएंगे और इससे तो उनकी तनख्वाहें फिर ख़तरे में पड़ जाएंगी तो इस पर यह सिर्फ दो तीन लोगों की बात नहीं है ये एक अमूमी सोच है और ये टीचर्स में ख़ास तौर पे और वो जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हैं उनमें से नबे फ़ीसद नबे फ़ीसद नालायक और निकटू हैं अब उनके अगर पोल खुले ना तो फिर उनका रोज़गार चला जाता अब देखिए मुझे ऐसे कोई गर्ज नहीं कि कौन कहाँ पढ़ा था कि उसको मौका अच्छा मिला पढ़ने का या नहीं लेकिन जब आपके अंदर वो ख्वाहिश ना हो पढ़ने की तो फिर आप क्या पढ़ाएंगे अब जबकि कैमरा के सामने आपका पोल खुल सकता है राज फाश हो सकते हैं तो फिर खतरा बनता है तो निकालना पड़ा उन्हें मुझे सर वो डेटे पॉडकास्ट ऑन एजुकेशन रिस वो भी यही डिस्कस कर रहे थे कि एजुकेशन का बजट से ज़्यादा मसला ये है कि उसकी एलोकेशन बहुत बुरी है डू यू फील के हायर एजुकेशन में भी मसला ये है कि बस जो लोग हैं वो तनख्वाह ले रहे हैं And it's not an issue of money, ये ये एलोकेशन और बजट इसकी बात बिल्कुल नहीं है देखें आप दरख के नीचे बैठकर अगर किताब पढ़ते हैं तो आपको कोई उसके लिए माँ से किताब की कीमत के और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं जिसके अंदर वो वो शौक़ ना हो जिसके अंदर वो तजस ना हो जिसके अंदर वो इल्म की महबत ना हो आप उसको अगर रखते हैं मौलिम की तरफ की की हैसियत से एज ए टीचर तो फिर वो वही पढ़ाएगा जिससे बस वो नौकरी करेगा ना अब टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट के अंदर वो वलवला पैदा करे वो शौक़ पैदा करे अगर वो सिर्फ खाना पूरी करता है बस तनख्वाह लेता है नौकरी करता है तो फिर आप जो भी एलोकेशन करेंगे आप जो भी बजट बनाएंगे आप जितनी भी इमारतें खड़ी करेंगे ये सब एक एक बराबर होंगी पर वही साइकिल है ना कि जो टीचर अगर उसी सिस्टम से बढ़कर आया है उसके अंदर अगर कभी ये जोश या वलवला था भी वो उसकी टीचर्स ने क्षमा बुझा दी होगी ये बोल करके ज़्यादा सवाल नहीं पूछो इधर उधर ना देखो मैं मानता हूँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उस निज़ाम से जो गुजरा है उसके लिए तो ख़ास तौर पे बहुत मुश्किल हो जाती है कि वो अपने आप को बेहतर करे लेकिन ये मुमकिन है लोग अपने आप को बेहतर करते हैं अच्छा मैं आपको ये बात बताता चलो आज से कोई चालीस साल पहले हाँ कोई पैंतालीस साल पहले मैं ट्रेड यूनियन के लोगों के साथ काम करता था मैं आम मज़दूरों के पास जाता था उधर हम स्टडी सर्कल करते थे और मैंने देखा कि उन मज़दूरों में आम मेहनत कशों में वो शुरू था और वो पढ़ने की ख्वाहिश थी वो शौक़ था जो हमारे स्टूडेंट्स में नहीं था जो हमारे टीचर्स में नहीं था तो हाँ हम जाके उनको मार्क्सिज्म पढ़ाते थे उस वक्त मैं मार्क्सिस्ट था तो आ, देखा कि ये वो लोग हैं जिनका काम तो असल में मशीनों से है और जो सारा दिन मेहनत करते हैं मेहनत की रोटी कमाते हैं मगर उनका एक अलग भी शौक़ था ना और वो शौक किसी टीचर से नहीं आया वो उनके अंदर था वो कुदरती चीज़ थी अब वो कुदरती चीज़ को अगर आप दबाएं जैसा कि हमारे तालीमी निज़ाम में दबाया जाता है तो और बात है सर मार्क्स आपने छोड़ दिया हाथ मार्क्स का <laughs> तो अब भी आ, अपने आप को प्रोग्रेसिव लेफ्टिस्ट समझता हूँ लेकिन मैं समझता हूँ कि मार्क्सिज्म एक मुफीद चीज थी एक हद तक समाज को समझने के लिए लेकिन अब ये वो समाज नहीं है ये वो सरमादारी निज़ाम नहीं है जो आज से 200 साल पहले था तो अगर चाहे मार्क्सिज्म के का जो बुनियादी कौल है कि हर एक को अपनी सलाहियत के मुताबिक काम करना चाहिए और हर एक को अपनी ज़रूरत के मुताबिक मिलना चाहिए बहुत अच्छा है बहुत ये एक खूबसूरत नज़रिया है कौल है लेकिन ये हमें वो साइंस नहीं फराम करता जिससे हम समाज को माशरे को समझ सकें यू सेइंग के साइंस एक कैपिटलिस्ट सिस्टम है साइंस तो बेटर नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि अब इंसानी मुआरह इस कदर पेचीदा हो गया है कि जो तबकात की तकसीम थी मार्क्स के ज़माने में वो अब नहीं रही अब ये नहीं कि सिर्फ दो तबके हैं एक सरमायादार तबका जो िम है और एक मज़दूर तबका जो मज़लूम है अब तबकात की बात किस तरह से की जाए कितने तबके हैं किसका किस पर इसार है रियासत का क्या किरदार है ये अब बहुत ज़्यादा पेचीदा है पहले के मुकाबले में लिहाजा वो जो सादा असूल हैं मार्क्सिज्म के उनका इतलाक़ अब आजकल के ज़माने पर नहीं हो सकता मगर मैं फिर भी ये बात दोहराऊँगा कि मैं समझता हूँ कि मार्क्स अपने ज़माने का ज़बरदस्त इनकलाबी था उसने जो तहरीकों को जो एक मोमेंटम दिया वो किसी और ने नहीं दिया तारीख़ में इंसान की तारीख में और मैं उसकी बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ अलबतः मैं अब इसको एक मुकम्मल साइंस नहीं समझता हूँ जिस तरह से एक ज़माने में समझता था दैट्स गुड बट आई थिंक मार्क्सजम इट सेल्फ एजोल्ड इन टू सो मनी अदर सेक्ट्स विच सीक टू ट्राई एंड एक्सप्लेन द ग्राउंड रियालिटीज़ इन टूडे उनका एक कॉल है कि मज़हब आवाम की अफीम है इस कॉल से आप अभी भी एग्री करते हैं ये तो बहुत खूबसूरत बात की थी और इसी से तो यहाँ मसला पड़ा है ना अब आप देख लीजिए कि दूसरे मुल्कों में तरक् पसंद तहरीकें सिर्फ मार्क्स नहीं लेकिन हर किस्म की तर तरक् पसंद तहजीबें तंजीमें आगे बढ़ी हैं और उनका उनकी गिरफ्त है उस समाज के ऊपर पाकिस्तान में जो बाएं बाजू की तहरीकें रही हैं वो हमेशा कमज़ोर रही हैं और वो इसलिए कि हमेशा हम लोगों के ऊपर ये उंगली उठाई जाती थी कि ये तो मार्क्स हैं ये कम्युनिस्ट हैं ये दहरिया हैं ये खुदा में नहीं मानते झूठी बातें हैं झूठी बातें मार्क्स होकर मैंने मज़दूरों में देखा था कुछ तो बड़े खुदा परस्त थे वो कहते थे कि अच्छा बस अभी हम आ, ये, ये हम उस वक्त साम्राज्य और साम्राज्यत पढ़ रहे थे और वो कहते थे बस अब हम नमाज पढ़ के वापस आते हैं तो कोई हर्ज नहीं उसमें ठीक है मगर हमारे ऊपर जो ठप्पा लगा ना कि ये सारे प्रोग्रेसिव लिबरल मार्क्स वगैरह ये बेदीन हैं खुदा में नहीं मानते तो उससे फिर यहाँ ऐसी तहरीकें मजबूत नहीं हो सकें सो सर देर इज अ लॉट ऑफ डिबेट अराउंड योर ओपिनियन इज वेल कुछ लोग काफ़ी आर्ग्यू करते रिलीजन uh, आज क्लियर करते हैं आपकी पोजिशन क्या है भाई मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे नहीं पता अब मुझे ये पता है कि कायनात उसूलों के तहत चलती है वो उसूल जो मादी हैं जो हम जान सकते हैं इंसान की फ़हम के इस्तेमाल से और कि अगर हमने ये उसूल जान लिया और उनका सही इतलाक़ किया तो हम ये पेशन गोईयाँ भी कर सकते हैं कि चांद कहाँ होगा ईद कब होगी मिसाल के तौर पर मगर उससे बहुत ज़्यादा हम ये जान चुके हैं कि एटम के अंदर क्या है एटम के मरकज़ के अंदर क्या है वगैरह वगैरह हम जीनोम तक पहुँचे हम डी एन ए तक पहुँचे हम डी एन ए को बदलने की भी सलाहियत रखते हैं और इस सब कुछ में ईमान की कतन कोई ज़रूरत नहीं साइंस बगैर किसी भी मज़हब के तरक्की कर रही है करती रही है आइंदा भी करती रहेगी अब देखिए इसका मतलब ये नहीं कि आप खुदा से इनकार करते हैं आपको ये नहीं पता ना कि वो उसूल कहाँ से आए तो ठीक है आए होंगे कहीं से तो एक साइंसदान कहता है कि मुझे तो सिर्फ ये मालूम कि अगर मैं इन उसूलों के ऊपर चलता रहा तो मैं ये भी कर सकता हूँ वो भी कर सकता हूँ वो भी कर सकता हूँ लेकिन ये उसूल कहाँ से आए मेरा काम नहीं है तो यहाँ तक ठीक है और आज तक कोई ये साबित नहीं कर सका है साइंस के इस्तेमाल से मंतिक के इस्तेमाल से कि खुदा है कि नहीं है तो रहने दीजिए मसले को ये आप जो मानना चाहें माने वो जो मानना चाहे वो माने आई थिंक प्रॉब्लम कम्स के जब आप साइंस को रिजेक्ट कर देते हैं या किसी चीज़ को तरजीह देते हैं कि अभी वो बीच में क्लिप भी वायरल गई थी कि जमीन साकेन है क्यों बस यू रिजेक्ट ऑल एविडेंस यू रिजेक्ट ऑल साइंस क्योंकि आपके जो जिन्होंने वो किताब लिखी थी तबलीगी जमात की उन्होंने कहा था ज़मीन सा के ना तो जमीन साके ना हाँ मगर देखिए वो तो ज़रा ऐसे मुल्ला है ऐसे मौलवी हैं जिन जिन्होंने अपनी आँखों के ऊपर पट्टी लगाई हुई है कुछ ज़्यादा समझदार लोग भी हैं ना आखिर अब मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ प्रोफेसर अब्दुल सलाम की जो अपने आप को तो कम अज़ कम मुसलमान कहते थे लेकिन उनकी साइंस जो है बिल्कुल चोटी की थी तो कोई शक नहीं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस्लाम पे ख़ुदा पे क़ुरान पे सब कुछ अपना ईमान बरकरार रख सकते हैं और साथ साथ बेहतरीन साइंस भी कर सकते हैं मगर ऐसे लोग बहुत कम हैं अरे के ये समझ में आने वाली बात तो है ही नहीं तो वो वो बेचारे कहते हैं कि इंसान चांद पे कैसे जा सका चांद पे जाए तो गिर क्यों नहीं जाता नीचे मुझे याद है मुझे याद है कि जिस जमाने में अमेरिकन चांद पर पहुंचे थे तो यहाँ तो एक तूफान उठा था कि ये तो सारी खुराफात हैं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता अगर ये मुमकिन होता तो कुरान में लिखा होता बट कुरान में तो इंटरस्टेलर ट्रैवल के बारे में लिखा हुआ है अगर आ, देखें हम अगर ग्री करते हैं कि जी मैराज हुई थी कुछ ना कुछ तो उसका साइंटिफिक बेसिस होगा सो आई वुड अज़्यूम कि अगर कोई थिंकिंग मुसलमान है ही वुड थिंक यस मे बी इंटरस्टेलर ट्रैवल इज पॉसिबल मे बी मल्टीपल रियालिटीज़ मे बी पैरल यूनिवर्स आ पॉसिबल हाँ ब्लैक होल्स भी है क्वांटम मैकेनिक्स भी है हर चीज़ है बस एक दफ़ा साइंस कोई चीज़ दरियाफ्त कर लेती है तो सब दौड़ते हैं उसके पीछे कि ये तो हमारे हमारी आसमानी किताब में लिखा हुआ था तो खा वो बाइबल हो या गीता हो या कुरान हो या इंजील हो या तोरात हो या जो भी हो कुछ भी हो एक दफा साइंस कोई चीज़ दरियाफ्त कर लेती है ना तो फिर हर मौलवी और प्रीस्ट और प्रोहत सब उसके पीछे भागते हैं वो कहते हैं कि देखो हमारी किताब पहली किताब थी जिसमें ये साइंसी हकीकत दर्ज थी सर फ्रॉम पर्सनल बिलीफ परस्पेक्टिव सबके पास फ्रीडम है जिसको जो बिलीफ रखना है दैट फाइन बट ड यू फील लाइक इन टर्म्स ऑफ नेशनल करिकुलम कि अगर हम प्लान करें एकेडमिक करिकुलम उसमें फॉर सम रीज़न रिलिजन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है एंड अ लॉर्ड ऑफ थिंग्स विच माइड नॉट इवन बी एंटी इस्लामिक बट सम पीपल पुश दम टू भी एंटी इस्लामिक अगर आप एवोल्यूशन भी किताबों से निकाल रहे हैं साइंस की आप सोलर सिस्टम भी निकाल रहे हैं दैट्स द प्रॉब वेर यू ट्राइंग टू फोर्स रिलिजन इन टू दिस एंटी इंटेलैक्चुअल ट्रडिशन जब साइंस और मजहब को जोड़ा जाता है तो दोनों के साथ ज़्यादती होती है और जो हमने अपने निसाब में डाला है वो तो ऐसा है कि हम दुनिया में मजाक बने हुए हैं और अब मज़ीद मजाक का निशाना बनेंगे क्योंकि अब आप ये आपने सुना है ना कि एक नया निसाब आने वाला है जो तमाम पाकिस्तान के लिए एक होगा मसावी होगा और उससे जो बेड़ा गर्क होगा इस कॉम का हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते क्योंकि इससे जो आम पब्लिक स्कूल है और इसमें कोई इससे मुस्तर नहीं होगा ओ लेवल और ए लेवल भी इसमें शामिल होंगे सभी को मदारस बनाया जाएगा तो इसमें इतना ज़्यादा मज़हब डाला गया है कि मदरसों के अंदर भी इतना नहीं है अब ये तो एक से पहली जमात से लेके पांचवी जमात तक का है जो बात का है वो तो बनेगा लेकिन अब तो यूनिवर्सिटियों में पंजाब की यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजों में अगर आपको बीए चाहिए बीएससी चाहिए एमए चाहिए एमएससी चाहिए या पीएचडी तो ज़रूरी होगा कि आप क़ुरान के ऊपर एक इम्तहान पास करें जिसमें न सिर्फ़ आपसे आयतें पूछी जाएंगी लेकिन तर्जुमे के साथ अब इस पे तो अकल हैरान रहती है एक तरफ तो आपके यहाँ हमारे यहाँ स्किल्स हुनर बिल्कुल ख़त्म हो गए अब वो पीआईए का पायलट उसको याद ही नहीं रहा कि वो पहे नीचे करे लैंडिंग से पहले उधर स्टील मिल्स को बंद करना पड़ा यहां कोई इदारा नहीं चल पा रहा है देर इज मीडियोक्रिटी एवरीवेयर और यहाँ जहां पहले से इतना ज्यादा मज़हब पढ़ाया गया कि वो हजम ही नहीं होता अब और उसमें डाला जा रहा तो ये क्या ये खलल दिमाग है खलल ले है। दिमाग है आई I would, I would think वुड थिंक दिस इज बेटर जो अभी होता है अभी भी तो हक की बदौलत इस्लामिक स्टडीज तो मैंडेटरी है हर कॉलेज लेवल पर तो so, अगर एक्चुअली कुरान पढ़ लें मे बी दैट इज़ बेटर देन जस्ट टू सम ऑफ द मुल्लास जो लगता है उन्होंने भी कुरान नहीं पढ़ा हुआ या वो हेट फैला रहे हैं वुडन इट जस्ट बी बेटर फ्रॉम के डायरेक्ट कुरान ही पढ़ लें मे बी शायद बेहतर मुसलमान बन जाए हाँ लेकिन देखें वो तो हम पहले भी पढ़ते रहे ना वो तो हम घरों में भी पढ़ते रहे और अब वो तो हमने बचपन से पढ़ा है आपने पढ़ा है मैंने पढ़ा है सब ने पढ़ा है लेकिन इस सब कुछ के बावजूद यहाँ चोरी चकारी बेईमानी हर किस्म की ख़राबी इनकम टैक्स हम नहीं देते इशारा तोड़ते हैं यहाँ पानी के इंजेक्शन लगाते हैं फरेब धोखा जितना पाकिस्तान में है मेरा ख़्याल है शायद ही कहीं और हो पता नहीं नाइजीरिया का मुझे मालूम नहीं लेकिन अगर आप आ, मुकाबला करें आ, किसी भी और मुल्क के साथ इस्लामी मुल्कों के साथ भी वहाँ मज़हब की तलीमत कम दी जाती हैं लेकिन उधर के इकदार बेहतर हैं तो कोई इनमें ताल्लुक़ नहीं मुझे नज़र आता अब एक तरफ़ आप ये कहते हैं कि सरकार का ख़ज़ाना खाली है यहाँ कोई टैक्स नहीं देता दूसरी तरफ ये हकीकत नहीं है कि इस वक्त जो टैक्स पेयर है वो हक के तालीमी निजाम से गुज़रा है कि उसके अंदर कूट कूट के कूट कूट के मजहबी तालीमात भरी गई थी तो फिर वो बेहतर क्यों नहीं हुआ क्यों वो इतना धोखेबाज निकला अब अगर हमने थोड़ा सा और पुरान पढ़ लिया अच्छी बात है ठीक है शायद दूसरे जहाँ तक पहुँचने में हमें थोड़ी सी ज़्यादा आसानी हो जाए लेकिन इस जहाँ के लिए तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई अच्छा सर पढ़ सकता। आई थिंक uh, अभी जो हमारे अनफॉर्चुनेटली काफ़ी मौलवी लोग हैं उनको एक इंटेलेक्चुअल साइंटिफिक साइड पे लाना मुश्किल है मे बी द रिवर्स कैन बी ट्रू के द रीज़न ऐसे लोग मौलवी बन जाते हैं या ऐसे लोग इस्लामिक एजुकेशन की तरफ जाते हैं इज बिकॉज अ लॉट ऑफ़ पीपल हु आर नॉट स्कॉलर्स वर्क फ्राम गुड यूनिवर्सिटीज़ अब वेल मे बी वो जो एक रिलीज डिस्कोर्स भी है उसको एलिवेट कर सकते हैं इस मुल्क में बिल्कुल मैं तो समझता हूँ बहुत अच्छी बात है कि इस्लाम और क़रान के ऊपर तहकीक हो मुस्त स्कॉलर्स एक मुस्त स्कॉलरशिप के तहत इसकी जाँच इसकी जाँच पड़ताल तहकीक तहवील तवील ये सब कुछ करें बहुत अच्छी बात है तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर इस्लामिक रिसर्च सेंटर्स होने चाहिए मगर साथ साथ ये मदरसों को बंद कर देना चाहिए ना, जहाँ मौलवी जो है वो लाखों को वर्गलाता है उनको गलत सिम लगा देता है और जिसके नतीजे में हमने बहुत भारी कीमत अदा की है आखिर हम ये कहते हैं कि यहाँ सत्तर पा, हज़ार पाकिस्तानी हलाक हुए थे हम शहीद कहते हैं हम कहते हैं वो कुर्बान हुए थे भाई कुर्बान कैसे हुए आखिर आपने उनको पंप किया पंप किया इतना पंप किया कि वो फट पड़े उनके अंदर जो जज्बा ईमानी है वो एक वो एक वल्कनों की तरह एक आतिश फिशां की तरह फटा और जब फटा तो उसकी ज़द में हम आ गए अब क्या आप दोबारा यही करना चाहते हैं सर सो फ्राम माई परस्पेक्टिव पीपल लाइक मी जो आपको फॉलो करते हैं अगर uh, इस तरह का कोई आदमी सोलर सिस्टम की बात करे, हमारे लिए तो वो एक मीम होता है हमारे लिए तो वो एक जोक होता है कि यार भाई तुम क्यों कर रहे हो तुमने शायद कोई जिंदगी में साइंस की किताब नहीं पढ़ी हो बट uh, उस पर जब हम बात करते हैं lot ऑफ टाइम्स आपका भी वो क्रिटिसिजम रिस्पॉन्स uh, में जो राइट है वो ये कहता है कि भाई अगर कोई मौलवी है जिसने साइंस नहीं पढ़ा हुआ वो साइंस की बात नहीं कर सकता तो अगर एक पीएचडी साइंटिस्ट है वो रिलीजन की बात क्यों कर रहे हैं वो रिलीजियस स्कॉलर थोड़ी है सो so, भाई जब वो वो जो कहें ना कहें मुझे पता है कि जमीन चपटी नहीं है मुझे पता है कि सूरज जमीन के गिर्द नहीं घूमता और अगर मैं ये कहूँ और कहूँ कि मौलवी साहब आप गलत फरमा रहे हैं तो मैं क्या कोई काफिराना बात कर रहा हूँ कुफर बाक रहा हूँ नहीं हकीकत बयान कर रहा हूँ भाई इससे ये चीज़ हमारे सामने वाज हकीक़त के तौर पर है तो अब मुला कहे या जो भी कहे ये बेवकूफ़ी है uh, has so much immense knowledge honestly most people probably don't even know you as a nuclear physicist they probably know you as not even as a theoretical physicist they probably know you for your socio-economic uh, opinions so uh, somebody who's clearly passionate about physics okay. and do you feel like uh, you should be talking about theoretical physics and all these things but it's mulk ka jo, अनफॉर्चुनेटली इंटलेक्चुअल लेवल है वो यहाँ पर है और आप यहाँ पर हैं ड्यू फील है कि like आपको यहाँ आना पड़ता है जस्ट टू कम्यूनिकेट विद पीपल ओवर ही देखिए मेरा असल इश्क जो है वो फिज़िक्स के साथ है और फिज़िक्स मैं न सिर्फ पढ़ाता हूँ मगर मैं पढ़ता हूँ और उसमें तहक़ीक करता हूँ मैंने चलिए पेपर लिखे हैं अब भी लिख रहा हूँ लेकिन उससे ज़्यादा ये कि मुझे उस चीज़ से शौक़ है दिलचस्पी है और वो इसलिए है कि इससे इंसान का इल्म उस बढ़ता चला जाता है और इसकी कोई इंतहा नहीं और जो मैं पढ़ता हूँ मुझे मेरा दिल उससे खुश होता काश के मैं सिर्फ यही करता लेकिन जैसा कि फैज साहब ने कहा लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए अब भी दिलकश है तेरा कुछ मगर क्या कीजिए अब ये देखें ना आप आस देखते हैं पास देखते हैं तो आपको दर्द तकलीफ़ जुल्म ये सब कुछ दिखाई देता है सबसे ज़्यादा आपको जहालत दिखाई देती है तो क्या मैं बैठकर अपनी कैलकुलेशंस करता रहूँ सिर्फ़ कैलकुलेशंस करता रहूँ और नई नई फिज़िक्स दरियाफ़त करता रहूँ या पढ़ता रहूँ और साथ ये भी होता रहे और वो भी होता रहे नहीं ऐसा नहीं होता ना आखिर इंसान मजबूर हो जाता है वो एक माशरे के अंदर रहता है वो उसका एक अटूट अंग है और इसीलिए उसका ज़मीर उसको इस तरह से उससे अलग थलग नहीं होने देता बस ये है मेरा मसला और कुछ नहीं जिस तरह अभी आपने रिसेंटली आर्टिकल भी लिखा कि एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर पाकिस्तान छोड़ के चले गए हम ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं मैंने बोला कि आप पॉडकास्ट पर आ रहे हैं तो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन था कि उनसे पूछेगा वो क्यों पाकिस्तान में रहते हैं वो क्यों नहीं छोड़ देते सो इज इट नॉट जस्ट दैट पीपल आर लिविंग बट इट्स दैट वी हैव समी लाइक यू हु कुड बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग सो मच दैट होपफुली वी वर डूइंग दिस पॉडकास्ट ऑन थियोरेटिकल फिजिक्स बट आपका भी खून जलता है आपका भी टाइम जया होता है बिकॉज द कंट्री कीप्स ड्रैगिंग यू डाउन इन दिस ऑलमोस्ट पॉइंटलेस डिबेट्स नॉट दैट देयर पॉइंटलेस बिकॉज यस वी नीड टू हैव दैम क्योंकि हमारा स्टेट हमारा इंटेलेक्ट लेवल अनफॉर्चुनेटली इधर है बट इन द लॉन्गर स्कीम ऑफ थिंग्स वन वुड होप कि ट्वेंटी ट्वेंटी में लोग आर स्टिल नॉट हैविंग दिस डिबेट्स दैट अनफॉर्चुनेटली यू आर ड्रैगड इन टू एवर सो ऑफन हाँ आम, मैं क्या क्यों यहाँ पर रहता हूँ इसलिए कि मैं बहुत ज़िद्दी हूँ <laughs> सीधी सी बात है आम, देखें एक दफ़ा इंसान तहिया कर लेना कि मुझे इधर रहना है देन यू बर्न योर बोट्स फिर आप कहते हैं कि जो कुछ भी होना है सो हो मुझे इधर ही ठहरना है इधर ही पैदा हुआ इधर ही पला बढ़ा और इधर ही मरना है तो ये क्या ठीक है बहुत नॉर्मल सी चीज़ है इसमें अनहोनी अजीब बात क्या है इज वेरी इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बट देर एनी फियर हाँ हाँ डर तो लगा रहता <laughs> आखिर कौन नहीं डरता तो डर तो सभी को लगता मुझे भी लगता तो क्या लेकिन फिर भी करना तो है ना और वो करता रहूंगा करीब आए हैं कि यानी उस उस बात को आप तो बिल्कुल छोड़ दें उस बात को बिल्कुल छोड़ दें क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी और को आइडियाज मिले इस तरह से <laughs> नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मैं इस तरह नहीं बता रहा चाह रहा कि किसी को प्लान्स मिल जाएं कि ये तरीका था मेरे से करीब आने का <laughs> सिर्फ फिजिक्स प्रस्पेक्टिव आपका एक अब्दुल सलाम के साथ इंटरव्यू भी पी टी वी पर uh, हुआ था एंड आई थिंक आपने वो रिस्टोर भी किए वीडियो के सेट हाउ इज़ डिफरेंट स्टेज ऑफ हिस्स लाइफ ही वेरी डिफरेंट तो उनकी जवानी में uh, मैंने जवानी तो उनकी नहीं देखी लेकिन जब वो अधेर उम्र के थे तो उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी से ज़्यादा वो ही वॉज वेरी फ्रेंडली वो डायरेक्टर थे इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स के बानी भी थे और उनको अपने रुतबे का एहसास था तो मिसाल के तौर पर आईसीटीपी के कैफेटेरिया में उनके लिए एक अलग मेज़ लगती थी और वहाँ उस, उसे आप हाई टेबल कह सकते थे कह सकते तो उस हाई टेबल पर आ, सिर्फ जो चंद बड़े लोग हैं उन्हें वहाँ दावत होती थी बैठने की इजाज़त होती थी उनके नज़दीक जाना इतना आसान नहीं था उस ज़माने में लेकिन जब मैंने उनको जानना शुरू किया अच्छी तरह से जानना शुरू किया तो ये चौरासी की बात है उस वक्त वो काफ़ी फ्रेंडली थे कम से कम मेरे साथ बहुत थे और इसी तरह से मेरी उनके साथ कुर्बत हुई और अगले दस साल तक रही छियानवे में उनका इंतकाल हुआ ख़ैर उसे एक दो साल पहले तो वो इसकाबिल नहीं रहे कि उनसे कुछ ज़्यादा गुफ्तु हो सके लेकिन उससे पहले तो हमने न सिर्फ ये कि बहुत सी गुफ्तु की बहुत सा तबादला ख़याल हुआ हमने मिलकर एक मजमून भी लिखा जिस पर मैं बहुत फख्र कर सकता हूँ उन्होंने मेरी किताब का दिबाचा लिखा और हमारी एक समझ लीजिए दोस्ताना तो नहीं क्योंकि वो मुझसे बहुत सीनियर थे लेकिन वो मेरे साथ बहुत बेतकल्लुफ़ थे मैं उनके साथ नहीं हो सकता था बट आई थिंक्रीलीयर टू हेम डाउन बहुत दुख हुआ बहुत दुख हुआ उनको वो तो वो दुख वो सह नहीं सके और सब कुछ उनके लिए काबिल बर्दाश्त था लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने उनको मुस्तरद किया ना धुतकारा वो उनके दिल में बैठ गया और इन एवर गॉट ओवर दैट ट भाई देखें इंसान दोस्ती का पैगाम आपको पहुँचाना है मुझे पहुँचाना है और हम जैसों को पहुँचाना है दूर दूर तक अब अगर दुनिया के दूसरे मुल्क इस लिहाज से आगे बढ़ सके हैं तो

भले हेट आता हो भले हारून रशीद जैसे लोग भी हों बट देर इज अज अमाउंट ऑफ पीपल हु थिंक यूर अ नेशनल एसेट हु आर थैंकफुल टू गॉड दैट यू एग्जिस्ट एंड वी सपोर्ट यू फॉर ऑल दैट यू डू एंड वी थैंक गॉड दैट यू एग्जिस्ट एंड वी आर प्राउड दैट यू आर अ पाकिस्तानी सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू डू एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द टाइम दैट यू डिड कोई यूथ को आप मैसेज देना चाहेंगे बिफोर वी क्लोज ऑफ <laughs> Thank you. Thank you. Awesome. Thank you so much, sir. Thank you for joining us. Thank you for listening, everybody. Take care. Bye bye.